अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि गुज़िश्ता हफ्ते आप लोगों ने लैब की सरगर्मियों से काफ़ी लुत्फ उठाया होगा। आज हम एडवर्ड मशीन के इस्तेमाल के बारे में एक बहुत ही दिलचस्प एक्सपेरिमेंट करेंगे और इस सरगर्मी में हम एडवर्ड मशीन को इस्तेमाल करते हुए मास, फोर्स और एक्सलरेशन के दरमियानी ताल्लुक की तहकीक करेंगे और साथ ही इस मशीन को इस्तेमाल करते हुए एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि स्मॉल जी की वैल्यू को भी कैलकुलेट करेंगे। आप लोगों ने बिल्डिंग्स में एलिवेटर्स को तो देखा होगा। जी सर, मेरी दोस्त का अपार्टमेंट 7th फ्लोर पे है, उसके घर हम एलिवेटर के जरिए ही जाते हैं, लेकिन अगर बिजली ना हो तो एलिवेटर नहीं चल सकता। जी बिल्कुल स्टूडेंट्स, एलिवेटर एडवर्ड मशीन के उसूल पर काम करता है। एडवर्ड मशीन दो मासेस पर मुश्तमिल होती है और हर मास स्ट्रिंग के सिरों के साथ बंधा हुआ होता है जो कि पुली के ऊपर से गुजरता है। एक सिरे के साथ स्ट्रिंग के हैवी लोड बांधा जाता है, वो नीचे की जानिब हरकत करता है तो दूसरी जानिब एलिवेटर ऊपर की तरफ उठता है। पुली को हरकत करने के लिए फोर्स की जरूरत पड़ती है, लिहाजा एलिवेटर इलेक्ट्रिसिटी को फोर्स के तौर पर इस्तेमाल करता है और जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती तो एलिवेटर भी हरकत नहीं करता। जी हाँ सर, मैंने भी एडवर्ड मशीन के बारे में पढ़ा था, इसे जॉर्ज एडवर्ड ने बनाया था। एडवर्ड मशीन उन चीजों की एक्सलेशन की पैमाइश करती है जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से हरकत करती हैं। सर, मैं रस्साकशी में भी हिस्सा लेता हूँ जो कि मेरे ख्याल में एडवर्ड मशीन के उसूल पर मबनी है, मैं उसमें हमेशा जीतता हूँ। जी हाँ, लेकिन हम यहाँ लैब में रस्साकशी करने के लिए नहीं बल्कि एडवर्ड मशीन से मुतालिक एक दिलचस्प एक्सपेरिमेंट करने के लिए मौजूद है और हम स्मॉल जी यानी कि एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को नोन क्वांटिटी समझ के इसको मुख्तलिफ मकासद के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक्सरे मशीन एक वजनी और नाजुक इक्विपमेंट है जिसे एक ऑपरेटर इस्तेमाल करता है और इसे बार बार ऊपर या नीचे करने की जरूरत महसूस होती है, जिसमें हम एडवर्ड मशीन के इस उसूल को इस्तेमाल करते हैं। जी सर, मैंने एक्सरे लैब में देखा है, एक्सरे की मशीन को एक स्टील की रस्सी ने सहारा दिया होता है और वो रस्सी एक पुली के ऊपर से गुजर रही होती है। रस्सी के दूसरे सिरे पर एक मुखालिफ वजन मौजूद होता है ताकि इस सारे निजाम को मुतवाजन बनाया जा सके। इस पूरे मुतवाजन निजाम को थोड़ी सी कोशिश के जरिए हरकत दी जा सकती है। एडवर्ड मशीन सिर्फ एक पुली होती है जिसके ऊपर से एक स्ट्रिंग गुजर रही होती है और स्ट्रिंग के दोनों सिरों पर एक एक मास मौजूद होता है। एडवर्ड मशीन न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन की इक्वेशन यानी कि F इज इक्वल टू ma की तस्दीक करने के लिए एक आसान तरीकाकार फराहम करती है। दो मासेज m1 और m2 एक हल्की और गैर लचकदार स्ट्रिंग से जुड़े होते हैं जो एक फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से कुछ इस तरह गुजर रही होती है कि दोनों मासेज अमूदन लटक रहे होते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम अपने इस एपरेटस का जायजा लेंगे। हमारे पास मौजूद है एक पुली, स्टॉप वॉच, गैर लचकदार स्ट्रिंग, स्लॉटेड वेट्स विद हैंगर, स्प्रिट लेवल और मीटर रूल जिसकी मदद से हम एडवर्ड मशीन बनाएंगे। सर, मैंने पढ़ा है कि इस एक्सपेरिमेंट में हम ये फर्ज करेंगे कि स्ट्रिंग और पुली का कोई वजन नहीं है, रस्सी में खिंचाव नहीं होगा और ये कि फ्रिक्शन मौजूद नहीं होगी। बिल्कुल दुरुस्त। एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फार्मूला निकालते वक्त हम इस अजम्पशन को इस्तेमाल करेंगे। बेहतर यह है कि एडवर्ड मशीन बनाते हुए पुली हल्के प्लास्टिक से बनी हो जिसमें बॉल बेयरिंग फिट हो ताकि फ्रिक्शन से बचा जा सके। एडवर्ड मशीन दोनों मासेस की वजह से पूरे सिस्टम पर लगने वाली नेट फोर्स का तायुन करती है, इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट में दो मासेस की सुस्त रफ्तार वर्टिकल मोशन की वजह से नीचे की सिंप लगने वाली मोसर एक्सीलरेशन ए की पैमाइश की जा सकती है। शाबाश फरीना, दोनों मासेस की वैल्यू के दरमियान फर्क कम रखा जाता है ताकि एक्सीलरेशन भी कम हो और वक्त के दौरानी को ज्यादा बेहतर तरीके से नोट किया जा सके। सर, नेट फोर्स की वजह से लटकने वाले दोनों मासेस में एक्सीलरेशन पैदा होती है और ज्यादा वजनी मास नीचे की तरफ एक्सीलरेट करता है और हल्का मास ऊपर की जानिब एक्सीलरेट करता है। जी हाँ, किसी भी चीज की एक्सीलरेशन उस पर लगने वाली नेट फोर्स और मास पर इन्हिसार करता है, लिहाजा m1 और m2 की वैल्यूज बिलतरतीब 100 और 105 ग्राम ली जाएगी। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम अपने प्रैक्टिकल को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें अपने ऑपरेटर्स को दूसरी जगह मुंतकिल करना होगा और आप लोग मेरे साथ दीजिए आइए। जी स्टूडेंट्स, हमने एडवर्ड मशीन को एक हमवार सतह पर सेट कर दिया है। सर, इस प्रैक्टिकल में हम कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करेंगे? यहाँ हम बॉल बेयरिंग वाले पुली को इस्तेमाल करेंगे या तो फिर पुली की अच्छी तरह से ऑयलिंग करेंगे ताकि फ्रिक्शन के खतरात को कम से कम किया जा सके और एक्सेलरेशन को कम करने के लिए मासेस के दरमियानी फर्क को भी हम कम करेंगे। यहाँ इस बात को भी हम यकीनी बनाएंगे कि हमारा मास m1 कम से कम 1 मीटर ऊंचाई से नीचे आए। चलिए अब हम यहाँ पे टेस्ट करेंगे कि हमारी जो ये पुली है ये ज्यादा ना घूम रही है या नहीं।
मैंने देख लिया सर, यह ज्यादा ना हरकत कर रही है और इसमें फ्रिक्शन भी नहीं है। बिल्कुल ठीक। अब हम हैंगर में मौजूद स्लॉटेड वेट्स का जायजा लेंगे और मास M1 को मास M2 से कुछ ज्यादा कर देंगे। इसके बाद जमीन की हमवार सतह पर मीटर रॉड को रख के परपेंडिकुलर इसकी हाइट को नोट करेंगे और M1 यानी कि वेट को हम इस हाइट से नीचे ड्रॉप करेंगे और T1 टाइम को नोट करेंगे जिसके लिए हमें स्टॉप वॉच की जरूरत पड़ेगी और हम M1 और जमीन के दरमियानी फासले को नोट करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, जैसे ही ये वेट जमीन पर लगेगा हम स्टॉप वॉच को बंद कर देंगे और इसके बाद सेम हाइट से M1 और M2 के मासेस को लेते हुए इसी प्रोसेस को दोहराएंगे और T2 को नोट करेंगे। ठीक है, ये 100 सेंटीमीटर है, नोट कीजिएगा। ओके सर। जी सर। अब हम दोबारा इसी प्रोसेस को दोहरा रहे हैं। T2 को हासिल करने के बाद हम T1 और T2 के दोनों को मिला के इसका मीन निकालेंगे। नोट कीजिए। जी सर, मैंने दोनों रीडिंग नोट कर ली है। फिर ना आप कैलकुलेशन कीजिए, आप कैलकुलेटर ले आइए। थैंक यू सर। मैंने पहली रीडिंग के लिए औसत टाइम टी कैलकुलेट कर लिया है। अब मैं एक्सेलरेशन निकालने के लिए a=2h/t² वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगी। सर, जी की कीमत 978 cm/s² कैलकुलेट हुई है। बिल्कुल ठीक। आपकी रीडिंग असल वैल्यू 980 cm/s² के करीब तरीन आई है। मोहसिन और बिलाल, मुख्तलिफ वेट के साथ आप इसी प्रोसेस को दोबारा दोहराएंगे। चलिए। अब हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे जो कि हमारे आज के इस एक्सपेरिमेंट का नतीजा होगा। ओके सर, एटवुड मशीन इस्तेमाल करते हुए जी की जो औसत वैल्यू आई है वो 979 cm/s² या 978 cm/s² आई है। सर, अगर स्ट्रिंग का वजन ज्यादा हो तो इसका एक्सपेरिमेंट पर किस तरह असर होगा? नीचे आने वाली साइड पर ज्यादा वजन होने की वजह से नेट फोर्स में इजाफा हो जाएगा, इससे नतीजा मुतासिर हो सकता है क्योंकि फिर एक्सेलरेशन शायद मुस्तकिल एक जैसी ना रह सके। बिल्कुल ठीक। जब मासेस के फर्क में तब्दीली आती है तो नेट फोर्स में इजाफा हो जाता है और साथ ही एक्सेलरेशन में भी इजाफा हो जाता है। चल के अब हम अपने प्रोसेस को दोबारा से दोहरा लेते हैं। आज के प्रैक्टिकल में हमने एटवुड मशीन इस्तेमाल करते हुए जी की वैल्यू मालूम की। सबसे पहले हमने एटवुड मशीन को एक हमवार सतह पर रखा और एक हल्की और गैर लचकदार स्ट्रिंग के दोनों सिरों पर एक जैसे हैंगर्स बांधे और स्ट्रिंग को पुली के ऊपर से गुजारा। हैंगर्स में स्लॉटेड मासेस का इस तरह इजाफा किया कि एक मास दूसरे मास से थोड़ा ज्यादा हो, यानी M1 M2 से ग्रेटर हो। मास M1 को कुछ बुलंदी तक उठाया और पुली को लॉक किया। इस पोजीशन पर मास M1 की जमीन से हाइट H नापी, फिर मास M1 को छोड़ दिया और साथ ही स्टॉपवॉच स्टार्ट कर दी। M1 जैसे ही जमीन से लगा तो स्टॉपवॉच बंद की और टाइम T1 नोट किया। इसके बाद हमने सेम हाइट H और मासेस M1 M2 के साथ इस तरीक़ेकार को दोहराया और टाइम T2 नोट किया। मासेस के दो मुख्तलिफ सेटों के साथ एक्सपेरिमेंट दोहराया। ओके स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आज का ये एक्सपेरिमेंट आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगले हफ्ते हम एक हॉरिजॉन्टल फोर्स टेबल को इस्तेमाल करते हुए ग्राफिकली दो फोर्सेस के रिजल्टेंट्स मालूम करने के लिए एक दिलचस्प एक्सपेरिमेंट करेंगे। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूँ आपसे। अल्लाह हाफिज़।